हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कबीरा ट्यूटोरियल्स। आज मैं मार्च सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कोची, कोयम्बटूर और भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटीज की तरह डेवलप करेगा? करेक्ट आंसर है जर्मनी। 20 शहरों में से इन 3 शहरों को स्मार्ट सिटीज की तरह डेवलप किया जाएगा। यह अनाउंसमेंट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा की गई। जर्मनी भारत का सेकेंड लार्जेस्ट बायलेटरल डोनर है, जो भारत को 1.5 बिलियन यूरोस यानी कि 11,000 करोड़ रुपए देने के लिए सहमत हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, चांसलर एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना ने गोदावरी वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए किस राज्य के साथ अग्रीमेंट साइन किया है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। तेलंगाना और महाराष्ट्र ने गोदावरी प्रोजेक्ट्स के लिए इंटर स्टेट वाटर बोर्ड एस्टेब्लिश किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, कैपिटल है हैदराबाद। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजी के अंतर्गत वाराणसी के डेवलपमेंट के लिए किस गांव को सेलेक्ट किया है? करेक्ट आंसर है नागेपुर। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जयापुर विलेज को शामिल किया था और अब नागेपुर गांव को शामिल किया है। सेगी के फुल फॉर्म है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को जया प्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी पर 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था। जया प्रकाश नारायण एक सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिकल लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 और 8 मार्च को होने वाली हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कौन सा शहर होस्ट करेगा? करेक्ट आंसर है गुड़गांव। इस समिट में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज हैं जापान, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, चेज रिपब्लिक, चाइना, साउथ कोरिया, मालावी, पेरू, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने रिसर्च के लिए किस इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किया है? करेक्ट आंसर है आईआईटी दिल्ली। यह एमओयू एनटीपीसी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के बीच साइन किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव कुछ एरियाज का डेवलपमेंट करना, जिनमें सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल प्रोसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन और अदर एरियाज। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ने नॉर्थ कोरिया के अटैक्स का रिप्लाई करने के लिए किस देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है? करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। इस जॉइंट यूएस एंड साउथ कोरियन मिलिट्री एक्सरसाइज में 17,000 अमेरिकन ट्रूप्स और 3,00,000 से ज्यादा साउथ कोरियंस इन्वॉल्व होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पार्क गुन हे, प्राइम मिनिस्टर है हवांग क्यो एन, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग यून, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एश कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट बैंक सॉफ्ट बैंक हाल ही में 2 सब्सिडरीज में बट गई, वह किस देश से बिलोंग करती है? करेक्ट आंसर है जापान। जापानीज इन्वेस्टमेंट बैंक सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन ने यह अनाउंसमेंट की है कि वह अपने प्रॉफिटेबल डोमेस्टिक मोबाइल बिजनेस को ग्लोबल बिजनेस से सेपरेट करेगी। इसके ग्लोबल बिजनेस का यूएस मोबाइल ऑपरेटर स्प्रिंट कॉरपोरेशन में मेजॉरिटी स्टेक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सॉफ्ट बैंक का प्रेसिडेंट निकेश अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स पेयर सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए सीबीडीटी इंडिया ने हाल ही में क्या अनाउंसमेंट की है?
करेक्ट आंसर है सेटिंग अप अ डेडिकेटेड स्ट्रक्चर, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स पेयर सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए दो सेपरेट डायरेक्टरेट्स सेटअप करेगा जिनके नाम हैं डायरेक्टरेट ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज 1 TPS 1 और दूसरा है डायरेक्टरेट ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज 2 TPS 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सीबीडीटी के चेयरमैन अतुलेश जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की GDP ग्रोथ इस साल कितने परसेंट फोरकास्ट की है। करेक्ट आंसर है 7.5%। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार 2015-16 में GDP की ग्रोथ रेट 7.5%, 2016-17 में 7.7% और 2017-18 में 7.9% फोरकास्ट की गई है। फिच रेटिंग कंपनी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस NRSRO जो कि US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा 1975 में डेजिग्नेट की गई थी की तीन कंपनियों में से एक है। NRSRO की दूसरी दो कंपनियों के नाम हैं मूडी एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ड मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर किस शहर में स्टैब्लिश करने की परमिशन दी है। करेक्ट आंसर है चेन्नई। फोर्ड मोटर्स यह यूनिट तमिलनाडु के IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज में स्टैब्लिश करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फोर्ड मोटर्स के CEO मार्क फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस जियो ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कितने स्टेडियम्स पर फ्री वाईफाई ऑफर की अनाउंसमेंट की है। करेक्ट आंसर है 6। इन स्टेडियम्स के नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली, ईडन गार्डन्स कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली और HPCA स्टेडियम धर्मशाला। रिलायंस जियो का पूरा नाम है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड RJIL जिसके ओनर मुकेश अंबानी हैं। रिलायंस जियो पैन इंडिया लेवल पर 4G सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जिसमें LTE टेक्नोलॉजी का यूज होगा। LTE टेक्नोलॉजी क्या है और 1G, 2G, 3G, 4G और 5G में क्या डिफरेंस है इसकी पूरी डिटेल आप 23 फरवरी के वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कॉरपोरेशन ने रिसर्च इन्वेस्टर कम्युनिकेशन अवार्ड हाल ही में जीता है। करेक्ट आंसर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं NTPC को 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CEO हैं AK झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर को सन फार्मा के रिवाइटल एच का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। करेक्ट आंसर है MS धोनी। सन फार्मा ने इस ब्रांड की नई पोजीशनिंग एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सन फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO दिलीप संघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी टेनिस महिला खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए ड्रग टेस्ट में फेल रही। करेक्ट आंसर है मारिया शारापोवा। उन्हें एंटी डोपिंग टेस्ट में मेलोडियम के लिए पॉजिटिव पाया गया। मेलोडियम एक सब्सटेंस है जिसे हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बैंड सब्सटेंसेस की लिस्ट में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर है वुमेन्स डे। पहले इसे वर्किंग वुमेन्स डे के नाम से भी जाना जाता था। इससे पहले वुमेन्स डे 1908 में न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन की स्ट्राइक की याद में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 28 फरवरी 1909 को सेलिब्रेट किया था। हाल ही में एनिमी प्रॉपर्टी बिल अमेंडमेंट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। यह एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट किस साल
एग्जिस्टेंस में आया था? करेक्ट आंसर है 1968, 1962, 65 और 71 में भारत के पाकिस्तान और चाइना के साथ प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद इसे एनिमी प्रॉपर्टीज की तरह डिक्लेयर किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1968 में इस पर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह बिल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम किरण रिजिजू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल राज्यों की लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया है? करेक्ट आंसर है गुजरात। यह रिपोर्ट NCAER ने जारी की जिसमें गुजरात को पहले स्थान पर और दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को अगले स्थानों पर रखा गया। NCAER की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। यह एक बॉडी ऑफ एक्सपर्ट से बनी नॉन प्रॉफिट पॉलिसी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, NCAER के प्रेसिडेंट हैं नंदन नीलेकानी, डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर शेखर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सांत्वना हरीश योजना लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटका गवर्नमेंट रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को 25,000 फाइनेंशियल सहायता के साथ पहले 48 घंटों में नियरेस्ट हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगी। इस योजना का नाम हरीश नामचप्पा के नाम पर रखा गया है जिन्होंने फरवरी 2016 में रोड एक्सीडेंट में अपनी मृत्यु से पहले अपनी आंखें दान कर दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नमेंट ने किस एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के अंतर्गत विंड मिल्स की कैपेसिटी 1 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए 0.25 का एडिशनल इंटरेस्ट रिबेट प्रोवाइड कराएगी। MNRE विंड पावर, हाइड्रो, बायोगैस और सोलर पावर के रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके हेड हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन आर्म फोर्स डिवीजन ने इसी साल जून में महिलाओं को युद्ध में शामिल करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है इंडियन एयरफोर्स। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनि चतुर्वेदी इन तीन महिलाओं को 18 जून को एयरफोर्स पायलट शेड्यूल के लिए चुना गया है। आर्म फोर्सेस में सिर्फ 5% महिलाएं ही हैं जो कि गैर लड़ाकू भूमिकाओं पर काम करती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंडिया के एयरफोर्स चीफ हैं अरुण रेहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन रेलवेज ने स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV फॉर्म की है? करेक्ट आंसर है बुलेट ट्रेन। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV का नाम है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह बुलेट ट्रेन 2 घंटों में मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर तय करेगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? यह एक सब्सिडियरी कंपनी होती है जिसका असेट लाइबिलिटी स्ट्रक्चर और लीगल स्टेटस होता है जो कि इसकी ऑब्लिगेशंस को सिक्योर बनाता है यदि पेरेंट कंपनी बैंक्रप्ट हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर, एस्टिमेटेड कॉस्ट 97,636 करोड़ और इसके लिए जापान से लोन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अरब कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए भारत का दौरा किया है? करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया। रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज
और सऊदी अरेबियन काउंटरपार्ट अदेल बिन अहमद अल जुबीर के बीच यह वार्ता हुई। सऊदी अरेबिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है और भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। 2014-15 में दोनों देशों के बीच 40 बिलियन यूएस डॉलर का बायलेटरल ट्रेड हुआ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, किंग है सलमान बिन अब्दुल्लाजिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं का वेतन कितने सालों से परिवर्तित नहीं हुआ है? करेक्ट आंसर है 20। आईएलओ ने यह डेटा 178 देशों से गैदर किया है जो कि क्लरिकल सर्विसेज और सेल्स वर्क से रिलेटेड महिलाओं पर आधारित है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ यह एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है जो लेबर इश्यूज पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक ने ऑल वुमेन ब्रांच किस शहर में लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। यस बैंक ने ऑल वुमेन ऑपरेटर बैंक ब्रांच जिसका नाम यस ग्रेस है लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य वुमेन्स को कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस ऑफर करना है। इस ब्रांच में मेल कस्टमर्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा और यह उन्हें भी सर्व करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यस बैंक के सीईओ राणा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आ रही ब्लैक मनी को चेक करने के लिए आरबीआई ने किस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ एफडीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की है? करेक्ट आंसर है आईबी एंड रॉ। यह डिसीजन रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा हेड की गई गवर्नमेंट ग्रुप की मीटिंग में लिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफडीआई की फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आईबी की फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो, आरएडब्ल्यू की फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट ने टैक्सेबल ईपीएफ विड्रॉवल का प्रपोजल विड्रॉ कर लिया है? करेक्ट आंसर है यस। इससे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बजट सेशन 2016-17 में ईपीएफ विड्रॉवल को टैक्सेबल बताया था, लेकिन अब इस प्रपोजल को पहले जैसा ही रखा है, यानी कि एनपीएस अकाउंट से 40% विड्रॉवल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या है? ईपीएफ एक एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेडिकल एंड इंश्योरेंस असिस्टेंस, रिटायरमेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट किस बैंक के साथ साइन किया है? करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ इसराइल। यह एमओयू बैंक ऑफ इसराइल के हेडवाबर और आरबीआई की चीफ जनरल मैनेजर पार्वती वी सुंदरम के बीच साइन किया गया। आरबीआई ने टोटल 32 एमओयूज साइन किए जिनमें एक लेटर ऑफ सुपरवाइजरी कॉपरेशन एंड एक स्टेटमेंट ऑफ कॉपरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, गवर्नर रघुराम जी राजन, इसे 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक्स के विद्युतीकरण के लिए रेलवेज ने किस कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है? करेक्ट आंसर है बजाज पावर जनरेशन कंपनी बीपीजीसी। इस प्रोजेक्ट को ललितपुर और उदयपुरा के रूट के लिए प्रपोज्ड किया गया है। इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक साल में 47.23 करोड़ रुपीस के साथ रेलवे ट्रैक्स का विद्युतीकरण किया जाएगा। बीपीसीजी का ललितपुर में 660 मेगावाट का एक पावर प्लांट है और इतनी ही कैपेसिटी का एक और पावर प्लांट परिचालन करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फोर्ज
GDLS जो कि एक US फर्म है, और किस कंपनी ने त्रिपक्षीय समझौते 50,000 करोड़ के डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए साइन किए हैं? करेक्ट आंसर है टाटा मोटर्स। इस ट्राइपार्टाइट पार्टनरशिप अग्रीमेंट को भारत फोर्ज, GDLS और टाटा मोटर्स ने 50,000 करोड़ रुपए के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV प्रोग्राम के लिए साइन किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, GDLS की फुल फॉर्म है जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फेमस पर्सनैलिटी ने नारी शक्ति 2015 अवार्ड्स प्रेजेंट किए? करेक्ट आंसर है प्रणब मुखर्जी। यह नारी शक्ति अवार्ड 2015 के लिए प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा 15 महिलाओं, 5 ऑर्गेनाइजेशंस, 1 स्टेट और पंचायत को दिया गया। ये अवार्ड्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSE स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है सुधाकर राव। BSE के पूर्व चेयरमैन S. रामादोराज के रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड IAS ऑफिसर सुधाकर राव को BSE स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। सुधाकर राव पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं। BSE को 1875 में एस्टैब्लिश किया गया था। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और मीडियम ट्रेड के साथ वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्पीड 6 माइक्रोसेकेंड्स है। यह वर्ल्ड का 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिस पर 5500 कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के न्यू चीफ सेक्रेटरी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है शकुंतला डोले गैमलिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं कालीखोपुल, गवर्नर हैं ज्योति प्रकाश राजखोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सैन्य अभ्यास के लिए 2 नई बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान ने सैन्य अभ्यास में मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को लॉन्च किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य दुनिया में अपनी पावर को दिखाना है। UN एक्सपर्ट्स के अनुसार ईरान के द्वारा हुए इस मिसाइल लॉन्च में सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का उल्लंघन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ईरान की कैपिटल तेहरान, करेंसी है रियाल, सुप्रीम लीडर है अली खामेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 हेल्थ केयर ATMs कितने राज्यों में लॉन्च किए जाएंगे? करेक्ट आंसर है 4। इन 4 राज्यों के नाम हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस प्रोग्राम को हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा रन किया जाएगा। ये हेल्थ केयर ATMs दिखने में बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे एयरपोर्ट्स पर कोल्ड ड्रिंक्स और पोटैटो चिप्स के डिस्पेंसर्स होते हैं। इनके थ्रू प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर मुफ्त दवाएं दी जाएगी। इन ATMs को मल्टीपर्पस पब्लिक हेल्थ वर्कर या ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के द्वारा चलाया जाएगा, जो पेशेंट्स के बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड हीमोग्लोबिन एटसेट्रा को चेक करेंगे। इन हेल्थ केयर ATMs को यूज करने के लिए पेशेंट को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। उसके बाद पेशेंट के हेल्थ इंडिकेटर्स को मेडिकल कॉल सेंटर भेजा जाएगा, जहां डॉक्टर्स पेशेंट की कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे और उसके बेसिस पर डिसीजन लेंगे कि पेशेंट को किसी सेंटर पर रेफर करें जहां डॉक्टर हो, या फिर उसे लोकली मेडिसिन से ही ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PS नेगी लोकतस के द्वारा लिखी गई पुस्तक कल्चर हेरिटेज ऑफ ट्रांस हिमालयाज किन्नौर किसके द्वारा रिलीज की गई? करेक्ट आंसर है महेश शर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डॉक्टर महेश शर्मा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन। क्या पार्लियामेंट ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिल 2015 क्लियर किया है?
करेक्ट आंसर है यस। इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिल 2015 का मेन ऑब्जेक्टिव BIS को एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी बनाना है और इसके स्कोप में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन वाली सर्विसेज, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना है और इसके साथ ही जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनके लिए मैंडेटरी हॉलमार्क इंट्रोड्यूस करना है। BIS ISO की एक फाउंडर मेंबर है। ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, BIS के डायरेक्टर जनरल अलका पांडे, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब महिलाओं को फ्री LPG प्रोवाइड करने के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कौन सी स्कीम अप्रूव की है? करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इस योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया गया है और इसके अंतर्गत 50 मिलियन LPG कनेक्शंस गरीब घरों की महिलाओं को दिए जाएंगे। हाल ही में गिव इट अप कैंपेन के अंतर्गत 80 लाख लोगों ने स्वतंत्रता पूर्वक LPG सब्सिडी छोड़ दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट को कितने देश ज्वाइन करेंगे? करेक्ट आंसर है 57। यह 3 दिन की समिट बॉम्बे कॉन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 14 अप्रैल को शुरू होगी जिसमें साउथ कोरिया भारत को एज अ पार्टनर ज्वाइन करेगा। इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव शिपिंग सेक्टर में अवेयरनेस को बढ़ाना है। इस समिट को 57 नेशंस ज्वाइन करेंगे और इस समिट के दौरान 72,000 करोड़ के बिजनेस अग्रीमेंट्स होने की संभावना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शिपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स को ट्रांसपोर्ट रूट्स की तरह डेवलप करने के लिए हाल ही में पार्लियामेंट ने किस बिल को अप्रूव किया है? करेक्ट आंसर है नेशनल वाटरवेज बिल। इस बिल के द्वारा 111 रिवर्स को नेशनल वाटरवेज में कन्वर्ट किया जाएगा जिसके थ्रू गुड्स और पैसेंजर्स के मूवमेंट को बूस्ट किया जा सके। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2.5 रुपीस से 25 पैसा तक रिड्यूस हो जाएगी। भारत में पहले 5 नेशनल वाटरवेज थे और अब इस नेशनल वाटरवेज बिल के आने के बाद 106 एडिशनल रिवर्स को नेशनल वाटरवेज बनाया जाएगा, यानी कि अब टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत में वाटरवेज के थ्रू होने वाला ट्रेड 3.5%, चाइना में 47%, कोरिया में 44%, जापान में 44%, यूरोप में 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका और यूरेशिया के कितने माइग्रेट बर्ड्स ऑफ प्रे के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने रैप्टर MOU साइन किया है? करेक्ट आंसर है 76। यह MOU बर्ड्स ऑफ प्रे की 76 प्रजातियों के लिए साइन किया गया है जिनमें 50 से ज़्यादा भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के अंतर्गत किस बैंक ने होम लोन्स के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है ICICI बैंक। इस स्कीम के लिए ICICI बैंक ने नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के साथ MOU साइन किया है। इस स्कीम के अंतर्गत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वुमेन बोरोअर्स को और लो इनकम ग्रुप्स को 6.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट पर सब्सिडी दी जाएगी। इसका मैक्सिमम लोन अमाउंट 6 लाख रुपीज है जो कि 15 साल के मैक्सिमम टेन्योर के लिए दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ICICI बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसकी CEO चंद्रा कोचर, हेडक्वार्टर्स मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP की लाइसेंसिंग कमेटी ने किस फर्म के 12 इंडस्ट्रियल लाइसेंस अप्रूव किए हैं? करेक्ट आंसर है रिलायंस डिफेंस। यह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है जो आर्म फोर्सेस के लिए काम आने वाले डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है तपन कुमार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए छठे नेविगेशन सैटेलाइट का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है IRNSS-IF। PSLV-C32 की 34वीं उड़ान में इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के द्वारा 1425 किलोग्राम का IRNSS-IF सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसरो को 15 अगस्त 1969 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड किडनी डे किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 10 मार्च। इस वर्ल्ड किडनी डे का मेन ऑब्जेक्टिव ग्लोबली किडनी की इंपॉर्टेंस की अवेयरनेस को बढ़ाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2016 की थीम किडनी डिजीज एंड चिल्ड्रन, एक्ट अर्ली टू प्रिवेंट इट। हाल ही में छत्तीसगढ़ के CM रमन सिंह ने राज्य का बजट पेश किया। इस बजट का मेन फोकस किन दो एरियाज पर था? करेक्ट आंसर है इरिगेशन एंड बास्टर डेवलपमेंट। छत्तीसगढ़ के CM रमन सिंह जी ने 73,996 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट का ज्यादा फोकस सिंचाई और माओवादी अफेक्टेड बास्टर रीजन के डेवलपमेंट पर किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए राज्यसभा ने कौन सा बिल पास किया है? करेक्ट आंसर है रियल एस्टेट बिल। इस बिल का पूरा नाम है द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2013, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाना है। रियल एस्टेट सेक्टर नेशनल GDP का 9% कंट्रीब्यूट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट M. वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने न्यू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी HELP हेल्प क्लियर की है, जिसके अंतर्गत कितने स्मॉल और मीडियम साइज ऑयल एंड गैस फील्ड के एक्सटेंडिंग लाइसेंसेस अप्रूव किए जाएंगे? करेक्ट आंसर है 28। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बूस्ट करना और इश्यूज को सॉल्व करना। न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP को रिप्लेस कर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी HELP बनाई गई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्रेन इंडिया के राजस्थान में ऑयल प्रोजेक्ट पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट में अमेंडमेंट के बाद सेहसधारी सिखों को मेंबर्स ऑफ बोर्ड के इलेक्शन में वोटिंग देने से वंचित कर दिया जाएगा? सिख गुरुद्वारास एक्ट 1949 से SGPC इलेक्शंस में इन सेहसधारी सिखों को वोटिंग राइट्स दिया गया है। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में अमेंडमेंट के बाद होम मिनिस्ट्री 2003 से सेहसधारी सिखों को वोटिंग राइट्स से वंचित कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2015 में अमेंडमेंट के बाद किसके स्मूथ ट्रांसफर को परमिट कर दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है बोथ A and B, यानी कि ऑक्शन माइंस एंड नॉन ऑक्शन माइंस। इस बिल में अमेंडमेंट से पहले केवल ऑक्शन माइंस के स्मूथ ट्रांसफर पर परमिशन थी, लेकिन अब इस बिल में अमेंडमेंट के बाद नॉन ऑक्शन माइंस को भी परमिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिमिनल मैटर्स के लिए बिम्स्टेक के साथ किस देश ने अग्रीमेंट साइन किया है? करेक्ट आंसर है इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्टेक में टोटल 7 देशों को शामिल किया गया है, जिनके नाम हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी को रोकने के लिए भारत किस देश के साथ अग्रीमेंट साइन करेगा? करेक्ट आंसर है बहरीन। इस मानव तस्करी में इंडिया एक सोर्स कंट्री है, जहां से बहरीन को तस्करी की जाती है, जिनमें फोर्स्ड लेबर और फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन शामिल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहरीन की कैपिटल मनामा, करेंसी है बहरीनी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एशिया का पहला नॉलेज शेयरिंग सेंटर किस देश में सेटअप करेगी? करेक्ट आंसर है इंडिया। इस नॉलेज शेयरिंग सेंटर को एस्टैब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और भूटान देशों में टेक्निकल सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। यह IMF का एशिया में पहला इनिशिएटिव है। IMF में भारत का कोटा 2.44% से बढ़कर 2.7% हो गया है और भारत का वोटिंग शेयर 2.3% से बढ़कर 2.6% हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, IMF का हेडक्वार्टर Washington DC US, MD है क्रिस्टीना लिगार्डे, मेंबरशिप 188 कंट्रीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने कितने स्टार्टअप्स के साथ टाई अप किया है? करेक्ट आंसर है 5। HDFC ने टोटल 30 एप्लीकेशंस में से इन 5 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया है। इनके नाम हैं सेंसफोर्थ टेक्नोलॉजीज, टैग एंड पिन, सेफ टू पे, बग क्लिपर एंड टैपटिस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा एरोस्पेस किस देश में अपने ऑपरेशंस सेटअप करने की योजना बना रही है? करेक्ट आंसर है UAE। यह एक इंडियन कंपनी है जो एयरक्राफ्ट्स बनाती है और उन्हें 30 देशों में बेचती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह महिंद्रा ग्रुप्स की सब्सिडरी फर्म है। महिंद्रा ग्रुप के CEO आनंद महिंद्रा, हेडक्वार्टर्स मुंबई, इसे 2 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फर्म ने ईट ऑन गो एंड फ्लेवर लैब्स स्टार्टअप्स को एक्वायर किया है? करेक्ट आंसर है इनर शेफ। राजेश शॉ ने, जो फूड टेक स्टार्टअप इनर शेफ के फाउंडर हैं, ने बेंगलुरु बेस्ड ईट ऑन गो और गुड़गांव बेस्ड फ्लेवर लैब्स को एक्वायर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फर्म BCCI की ऑफिशियल पार्टनर बन गई है? करेक्ट आंसर है हुंडई। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL ने BCCI के साथ 4 साल के लिए पार्टनरशिप की है, जिसके अंतर्गत भारत में होने वाले इंटरनेशनल मैचेस के लिए हुंडई एसोसिएट स्पॉन्सर रहेगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही पेप्सिको BCCI की फर्स्ट ऑफिशियल एसोसिएट स्पॉन्सर बनी है और पेटीएम BCCI की ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हुंडई का हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया, CEO हैं चुंग मोंग कू, इसे 29 दिसंबर 1967 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसे दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है आनंद महिंद्रा। यह अवार्ड उन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के फ्रांस रेजिडेंस पर उनके द्वारा किए गए नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट्स और इनिशिएटिव्स के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट द्वारा किस जज को 21वें लॉ कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है जस्टिस BS चौहान, जिनका पूरा नाम है बलबीर सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लॉ मिनिस्टर DV सदानंदा गौड़ा, 20th लॉ कमिश्नर रवि आर त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने मई 2018 में
कौन सा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है मार्स इनसाइट मिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC US, इसे 1958 को एस्टैब्लिश किया गया था। हाल ही में लोकसभा में आधार बिल 2016 पास किया गया। यह आधार नंबर एक यूनिक नंबर है जो भारत के सिटीजन्स को एप्लीकेशन फॉर्म की डेट से पहले कम से कम कितने दिनों तक भारत में रहने पर दिया जाता है। करेक्ट आंसर है 182 डेज। गवर्नमेंट से मिलने वाली स्कीम्स और सब्सिडीज का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है। आधार कार्ड किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट, रेटिना और फोटोग्राफ के साथ एक वैलिड आइडेंटिटी है। इस बिल का पूरा नाम है द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज बिल 2016। पार्लियामेंट्री एंड अफेयर्स मिनिस्टर वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत कोष के लिए कितना फंड दिया है? करेक्ट आंसर है 370 करोड़। यह टोटल फंड कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल से कलेक्ट किया गया है जिसमें 365 करोड़ कॉरपोरेट्स से और 5.95 लाख इंडिविजुअल से कलेक्ट किया गया है। यह स्वच्छ भारत कैंपेन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अक्टूबर 2014 में लॉन्च की थी। पुराने वीडियोस में आप इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा अगले 3 सालों में कितने रुपए सेव कर लेगा? करेक्ट आंसर है 14,160 करोड़ रुपए। पावर डिस्कॉम का टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट 4.37 लाख करोड़ है। इस स्कीम के अंतर्गत टोटल डेब्ट में से 1.95 करोड़ डेब्ट जो कि टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट का 45% है रिकवर किया जाएगा। उदय स्कीम की फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा शुरू की गई जिसका विजन है हर दिन 24 घंटे अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बिजली सभी को प्रोवाइड करना। एक और पावर स्कीम जिसका नाम है उजाला जिसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। यह एक डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम है जिसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर नीति आयोग, UN इन इंडिया और MyGOV के द्वारा पार्टनरशिप में कौन सी कैंपेन लॉन्च की गई? करेक्ट आंसर है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस कैंपेन के अंतर्गत नीति आयोग महिलाओं द्वारा खुद को और दूसरों को सशक्त बनाने के लिए किए गए चुनौतीपूर्ण कार्यों से संबंधित लिखित निबंध कहानियों के लिए प्रविष्टियों को आमंत्रित कर रहा है। महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई दूसरी स्कीम्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी वाटर लीकेज के बाद गुजरात में स्थित किस एटॉमिक पावर स्टेशन को बंद कर दिया गया? करेक्ट आंसर है काकरापार। गुजरात स्थित काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है जिसकी 2 यूनिट्स की कैपेसिटी 220 मेगावाट है। इसकी फर्स्ट यूनिट को सितंबर 1992 में मान्यता प्राप्त हुई जिसमें मई 1993 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और इसकी दूसरी यूनिट को जनवरी 1995 में मान्यता प्राप्त हुई और वहाँ प्रोडक्शन सितंबर 1995 में शुरू हुआ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी S. हरि कुमार। इस स्लाइड में आप भारत में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिस्ट देख सकते हैं जिनके नाम हैं नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रावतभाटा राजस्थान, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन काकरापार गुजरात,
जिसका क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कुंदनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कल्पाकम तमिलनाडु में स्थित है। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, केगा कर्नाटका में स्थित है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कालपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया और आईएमएफ ने दिल्ली में रीजनल कोऑपरेशन सेंटर स्टैब्लिश किया है, इस सेंटर का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है सार्टेक। इसकी फुल फॉर्म है द साउथ एशिया रीजनल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर। यह डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग असिस्टेंस सेंटर साउथ एशियन देश, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका शामिल है, को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ की एमडी क्रिस्टीना लिगार्डे, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 18 मीटर गेज 1350 हॉर्स पावर डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों की आपूर्ति किस देश को करेगा? करेक्ट आंसर है म्यांमार, जिसे फॉर्मली बर्मा भी कहते हैं। इन इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के द्वारा किया जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट रिट्स RITES, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, और म्यांमार के बीच साइन किया गया। रिट्स को 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके एमडी और चेयरमैन हैं राजीव महरोत्रा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, म्यांमार की कैपिटल नेपई डॉ, करेंसी है क्यात, प्रेसिडेंट है थिन शेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के अनुसार कौन से शहर दुनिया में सबसे सस्ते हैं? करेक्ट आंसर है मुंबई और बैंगलोर। EIU की इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर सबसे महंगा शहर है। यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क की कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेस बनाकर तैयार की गई, जिसमें सिटीज के एक्सपेंसेस को कंपेयर किया गया। EIU एक लंदन बेस्ड फोरकास्ट ग्रुप है। कैलिफोर्निया स्थित उबेर सर्विसेज ने भारत के किस शहर में एशिया में पहला इंजीनियरिंग सेंटर ओपन किया है? करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। उबेर कंपनी ने भारत में 3 साल पहले 30 शहरों में अपनी सर्विसेज शुरू की थी। अब यह 400 शहरों में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे 2009 में एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स है कैलिफोर्निया US। CEO हैं ट्रेविस कैलनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSNL किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज ऑफर करेगी? करेक्ट आंसर है टाटा स्काई। BSNL यह सर्विसेज अपने 2 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स को पैन इंडिया लेवल पर टाटा स्काई के साथ पार्टनरशिप में प्रोवाइड करेगी। टाटा स्काई के हाल ही में 1.1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, और इस पार्टनरशिप के बाद टाटा स्काई की विजिबिलिटी और ब्रांडिंग को बूस्ट मिलेगा। YouTube विश्व का पहला और सबसे बड़ा वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है YouTube Red। भारत में स्थित कुछ दूसरे प्लेयर्स जिनके नाम हैं हॉटस्टार, सोनी लाइव, डिट्टो टीवी, बॉक्स टीवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, BSNL के CEO श्री अनुपम श्रीवास्तव, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने एम्प्लॉयर्स को इनकरेज करने के लिए इंसेंटिव रिफंड स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज को कौन सा नंबर प्रोवाइड कराएंगे? करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN। यह स्कीम 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक इफेक्टिव रहेगी। इस स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयर्स 1 साल के अंदर 5 से 10% तक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। UAN का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। EPFO को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत 1952 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सेंटर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर
वीपी जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट टूरिज्म कैंपेन ने गोल्डन सिटी गेट अवार्ड जीता है? करेक्ट आंसर है केरला। केरला की कैंपेन गॉड्स ओन कंट्री के लिए बर्लिन में ट्रैवल ट्रेड शो ITB में केरला को गोल्डन सिटी गेट अवार्ड दिया गया। इससे पहले केरला यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO का यूलिसेस प्राइज भी जीत चुकी है। हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए का स्टेट बजट पेश किया? करेक्ट आंसर है 40,422 करोड़। इस बजट का मेन फोकस एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन एम्पावरमेंट पे था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उत्तराखंड की फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा हृदेश, चीफ मिनिस्टर श्री हरीश रावत और कैपिटल है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स किस राज्य में इनॉग्रेट किए हैं? करेक्ट आंसर है बिहार। इन रेलवे प्रोजेक्ट्स की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 7,200 करोड़ रुपीस है। इन रेलवे प्रोजेक्ट्स के नाम हैं पटना रेल कम रोड ब्रिज, मोकामा डबल लाइन रेलवे ब्रिज, मुंगर रेल कम रोड ब्रिज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिहार के CM नीतीश कुमार, बिहार की कैपिटल पटना, रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LED बेस्ड लाइटिंग प्रोग्राम का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है उजाला। उजाला एक डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम DELP है, जो कि 12 राज्यों के 120 शहरों में सक्सेसफुली चलाया जा रहा है। उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, जिसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। EESL अब तक 7.47 करोड़ LED बल्ब्स देश में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, जिससे प्रतिदिन 2.66 करोड़ किलोवाट की एनर्जी सेव हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने रेडार से बच निकलने वाले कितने युद्ध पोत के लिए 13,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं? करेक्ट आंसर है 7। इन 7 रेडार से बच निकलने वाले युद्ध पोतों का निर्माण डिफेंस शिपयार्ड के द्वारा नेवी के लिए किया जाएगा, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया गया है। इसके साथ ही भारत में निर्मित 244 एयर डिफेंस गन्स का निर्माण एयरफोर्स के लिए किया जाएगा, जिसके लिए 7,200 करोड़ का बजट अप्रूव किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर परिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट किस साल तक सभी राशन की दुकानों को कंप्यूटराइज कर देगी? करेक्ट आंसर है मार्च 2017 तक। गवर्नमेंट राशन दुकानों पर होने वाली चोरी और अनफेयर प्राइसिंग को चेक करने के लिए PDS सेक्टर को कंप्यूटराइज करेगी, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS डिवाइस को इंस्टॉल किया जाएगा। PDS की फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत पॉन्डिचेरी, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली के अर्बन एरियाज में PDS को आधार से लिंक किया जाएगा और यहाँ पर इसकी सक्सेस के बाद पूरे देश में इसे एक्सटेंड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया? करेक्ट आंसर है मैक्सिको। मैक्सिकन फॉरेन मिनिस्टर का नाम है क्लाउडिया रुइज मासियो। मैक्सिकन फॉरेन मिनिस्टर और सुषमा स्वराज, जो कि भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, के बीच बायलेटरल मीटिंग हुई। क्लाउडिया रुइस ने 22nd साब्रो हाउस लेक्चर डिलीवर किया, जिसका टॉपिक है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको इंडिया रिलेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी, करेंसी है पैसो, प्रेसिडेंट है
इनरिक पेना नियटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉर्मली अडॉप्ट करने वाली कौन सी कंपनी दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? करेक्ट आंसर है इंडिया INC, UNGCNI, जिसकी फुल फॉर्म है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। ये SDG की एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। SDG की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। यूएन के द्वारा SDG के 17 गोल सेट किए गए हैं। इसके साथ ही यूएन के द्वारा MDG, जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट ग्रोथ कहते हैं, उसके लिए 8 गोल सेट किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बान की मून, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने निम्न में से किसके लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दे दिया है? करेक्ट आंसर है स्टार्टअप्स, MSMEs। MSMEs की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या है। अप्रैल 2015 से सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को अपनी आवश्यकता का कम से कम 20% माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदने के निर्देश दिए गए। तो अब इस रिलैक्सेशन के बाद स्टार्टअप्स, MSMEs भी इस 20% मैंडेटरी पब्लिक प्रोक्योरमेंट में शामिल हो जाएंगे, यदि उनकी गुड्स और सर्विसेज टेक्निकली और क्वालिटी वाइज स्पेसिफाइड नॉर्म को पूरा करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ फिजी के लिए भारत का अगला हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है विश्वास विधु सापकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिपब्लिक ऑफ फिजी की कैपिटल सुवा, करेंसी है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो के लिए भारत का अगला एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है अनिल वधवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो की कैपिटल सैन मैरिनो, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ कोट डिवोर के लिए भारत का अगला एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है आर रविंद्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोट डिवोर की कैपिटल यामो ओ साउक्रो, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात विद्वानों को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर और महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया गया? करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा प्रख्यात विद्वानों को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरेबिक और पारसियन भाषा के लिए साल 2014 के लिए यह अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सम अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाल ही में बेंगलुरु में हनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा इंटरैक्टिव वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे कि पेपर वर्क को रिड्यूस और टाइम को सेव किया जा सके। हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2016-17 फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टेट बजट पेश किया, जिसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना प्रपोज किया गया है? करेक्ट आंसर है 1,30,000 करोड़। इस टोटल एक्सपेंडिचर में प्लांट एक्सपेंडिचर 67,630 करोड़ रुपीस और नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर 62,785 करोड़, रेवेन्यू सरप्लस रुपीस 3,381 करोड़ और फिस्कल डिफिसिट 23,467 करोड़ रुपीस। इस बजट में इरिगेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसके लिए रुपीस 25,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, फाइनेंस मिनिस्टर
इटेला राजेंद्र, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांसिंग एशिया इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर, यह कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। यह कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IMF के द्वारा जॉइंटली हेल्ड की गई। इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन के मुद्दों में स्लोइंग पोटेंशियल ग्रोथ, राइजिंग डेब्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स एटसेट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना लिगार्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किस प्रजाति को बचाने के लिए कैंपेन लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है स्पैरोज। इससे संबंधित एक इवेंट जिसका नाम है गोरैया दिवस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूपी की कैपिटल लखनऊ, चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट के साथ पेमेंट्स बैंक के लिए एज ए कंसल्टेंट कौन पार्टनरशिप करेगा? करेक्ट आंसर है डिलॉयट। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्राइमरीली रूरल, सेमी रूरल और रिमोट एरियाज के कस्टमर्स पर सिंपल डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और मनी रेमिटेंस सर्विसेज के लिए कस्टमर्स पर फोकस करेगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने हाल ही में इंडिया पोस्ट के 800 करोड़ रुपए के प्रपोजल को अप्रूव किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने SBI और IDBI को BAA3/P3 रेटिंग दी है? करेक्ट आंसर है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। मूडीज एक रेटिंग रिसर्च कंपनी है जो कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को रिस्क और बोरोअर्स की एबिलिटी के अनुसार रेटिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBS बैंक ने किस ग्लोबल बैंक के भारतीय तटवर्ती संचालनों को 1000 करोड़ रुपए में खरीदा है? करेक्ट आंसर है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। DBS की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक लिमिटेड, जो कि एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। अभी हाल ही में नेशनल बैंक अबूधाबी NBAD ने भी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के भारत में ऑफशोर लोन बुक को 5,422 करोड़ रुपए में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के लिए किस बैंक ने इंडिया ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अग्रीमेंट साइन किया है? करेक्ट आंसर है यस बैंक। यस बैंक इंडिया का पांचवा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इस डील का मेन ऑब्जेक्टिव यस बैंक और इंडिया ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच नॉलेज शेयरिंग, कंसल्टेंसी स्किल्स और टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन को बढ़ाना है। फसई किस शहर में 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ट्रेनिंग देगी? करेक्ट आंसर है दिल्ली। फसई जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगले 4 सप्ताह में पूरे देश में 40 ट्रेनिंग सेंटर्स पर रोड साइड वेंडर्स को ट्रेनिंग देगी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड के अंतर्गत गुड हेल्थ और हाइजीन को इंश्योर करना है। यह स्कीम यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा के द्वारा लॉन्च की गई। इन फूड वेंडर्स को सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद स्मार्ट स्केल कम रजिस्ट्रेशन कार्ड दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फसई के CEO मिस्टर पवन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के बीज के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सेलिंग प्राइस 800 रुपए तक फिक्स की है? करेक्ट आंसर है BT कॉटन। यह मैक्सिमम सेलिंग प्राइस सेट करने का डिसीजन फार्मर्स के फेवर में लिया गया है। यह नोटिफिकेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के सेक्शन 3 के कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2015 के अकॉर्डिंग लिया गया, लेकिन इस मूव के अगेंस्ट माइको मोनसांटो बायोटेक MMBL जो कि मोनसांटो और महाराष्ट्र की कंपनी माइको के बीच जॉइंट वेंचर है, ने हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट अपील दर्ज की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के अगले अपग्रेडेड एंड्रॉइड सिस्टम का क्या नाम है जो एक ऐप से दूसरी ऐप में स्विच करने का ऑप्शन देगा? करेक्ट आंसर है एंड्रॉइड एन। गूगल का यह अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड एन स्प्लिट स्क्रीन फीचर ऑफर करेगा, जिससे कि एक ऐप से दूसरी ऐप में स्विच करना आसान हो जाएगा। एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे अमेरिकन कंपनी गूगल ओन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवेज के द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर है क्लीन माई कोच। यह ऐप सभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स पर एप्लीकेबल होगी, जिसमें यात्री अपने कोच और टॉयलेट की सफाई के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यह ऐप सभी जोनल रेलवेज के द्वारा अडॉप्ट कर ली गई है। इस ऐप की लॉन्च के बाद से टोटल 18,709 रिक्वेस्ट ऑलरेडी सर्व की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्लास्टिक को डीकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया की खोज की है? करेक्ट आंसर है जापान। जापान के रिसर्चर्स ने प्लास्टिक बॉटल्स में पाया जाने वाला प्लास्टिक, जिसे पॉलीइथाइलिन, टेरिफ्थलेट और पीईटी कहते हैं, को ब्रेक डाउन करने वाला बैक्टीरिया खोज लिया है। इस क्वेश्चन में आपको कंट्री का नाम ना पूछकर इस प्लास्टिक का नाम भी पूछा जा सकता है, जो कि पीईटी है, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्टिको कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है नैना लाल किडवई। एल्टिको कैपिटल लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स और अदर असेट्स को एक्वायर करने का बिजनेस करती है, और मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस कॉरपोरेट बोरोअर्स मेनली रियल एस्टेट कंपनीज को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन स्कॉलर को कैनबरा यूनिवर्सिटी का वीसी नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है एच दीप सैनी। श्री एच दीप सैनी एक इंडियन स्कॉलर और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं। कैनबरा यूनिवर्सिटी एक प्रेस्टीजियस ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के नाम से है, कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनन अल हॉरर, जिन्होंने हाल ही में 2016 के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज का अवार्ड जीता, वह किस देश से है? करेक्ट आंसर है पैलेस्टाइन। हनन ने भारत के रॉबिन चौरसिया और 8 अदर फाइनलिस्ट को बीट कर यह अवार्ड जीता। भारत के रॉबिन चौरसिया मुंबई के कामतीपुरा के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पे लड़कियों के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल चलाते हैं। हनन अल हॉरर जो कि एक रिफ्यूजी है और रिफ्यूजी बच्चों को पढ़ाती हैं, उन्होंने $1 मिलियन का यह प्राइज जीता, जिसकी अनाउंसमेंट पोप फ्रांसिस ने की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पैलेस्टाइन की कैपिटल रामल्लाह, करेंसी इजरायली शेकल, प्राइम मिनिस्टर रामी हमदल्लाह। कौन सा देश भारत के साथ फुल ब्राइट कलाम क्लाइमेट फेलोशिप अवार्ड लॉन्च करेगा? करेक्ट आंसर है यूएसए। यह फेलोशिप यूनाइटेड स्टेट्स और इंडियन एजुकेशनल फाउंडेशन के द्वारा यूएस इंडिया फुल ब्राइट कलाम क्लाइमेट फेलोशिप लॉन्च की गई। इस फेलोशिप का नाम लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह फेलोशिप प्रोग्राम सितंबर 2014 में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सम अदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसयू के द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 2014-15 में टोटल 2,447 करोड़ रुपए खर्च किए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।